नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। जो उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा सुधार को लेकर लगातार बिहार की सरकार पर हमलावर रहे हैं, केंद्र सरकार पर हमलावर रहे हैं, बीजेपी पर हमलावर रहे हैं, जेडीयू पर हमलावर रहे हैं और सबसे अहम, सबसे खास कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर रहे हैं। ये हमला तब भी जारी रहा है जब वे एनडीए का हिस्सा रहे हैं, उनकी पार्टी एनडीए का हिस्सा रही है, बिहार की सरकार में सहयोगी कह सकते हैं। सहयोगी इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को कोई पद नहीं मिला था, लेकिन बिहार में भी उनकी पार्टी सहयोगी थी, एनडीए का हिस्सा थी, केंद्र में सहयोगी थी उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा, और लगातार सहयोगी रहते हुए उपेंद्र कुशवाहा शिक्षा सुधार पर हमलावर थे। अंतर यही आया उनके एनडीए छोड़ने के बाद कि हमला और तल्ख हो गया जब वे महागठबंधन में चले गए, हमला और आक्रामक हुआ। तो शिक्षा सुधार को लेकर सरकार पर हमलावर रहने वाले उपेंद्र कुशवाहा पर कल बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने बड़ा हमला बोला है, निशाना साधा है और साफ कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए हैं और उनका तो कैरियर ही खत्म हो गया है। कृष्णनंदन वर्मा कल जेडीयू द्वारा आयोजित कुशवाहा सम्मेलन में हाजीपुर में यह कार्यक्रम आयोजित था, उस कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे लोगों को और इस अपने संबोधन के दौरान उन्होंने बड़ा हमला बोला, निशाना साधा उपेंद्र कुशवाहा पर। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर उन्होंने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए छोड़ जाने से एनडीए को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनके एनडीए छोड़ जाने से उन्हें बड़ा नुकसान हुआ है, एनडीए को कोई नुकसान नहीं हुआ, वे राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए हैं और उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई है। तो जाहिर है एक बड़े सवाल का जवाब भी देते हुए कृष्णनंदन वर्मा, जब से एनडीए छोड़ के गए हैं उपेंद्र कुशवाहा, तब से बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये सवाल बड़ा वाजिब हो रहा था और बड़ा अहम हो रहा था कि क्या उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए छोड़ जाने से एनडीए को कोई फर्क पड़ेगा, कोई नुकसान होगा और महागठबंधन को क्या इसका कोई फायदा होने वाला है। बिहार के राजनीतिक गलियारों में लगातार यह सवाल टहल रहा था, तो उस सवाल का भी जवाब देते हुए बिहार के शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा कि नहीं, एनडीए छोड़ जाने से, उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए से चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि नुकसान हुआ है उल्टा उनको और बड़ा नुकसान हुआ है, वे राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए हैं और जाहिर तौर पर इसको लेकर भी निशाना साधने की कोशिश जेडीयू द्वारा, कृष्णनंदन वर्मा द्वारा एनडीए महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जो खींचतान चल रही है और लगातार ये खबरें आ रही हैं कि पेच सुलझने की बजाय उलझता जा रहा है, खबरें यह भी आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा की जो महत्वाकांक्षा रही थी, जो डिमांड वो एनडीए में रहते हुए किया करते थे सीटों को लेकर, वो डिमांड महागठबंधन में पूरी होती नहीं नजर आ रही है, उनकी अपेक्षा से कम सीटें उनको मिलेगी या अपनी जो राजनीतिक हैसियत वो बिहार में बताते रहे हैं उस राजनीतिक हैसियत के हिसाब से महागठबंधन में सीटों की हिस्सेदारी उनकी नहीं होगी, उनको उतना हिस्सा नहीं मिलेगा। तो इस पर भी तंज कसते हुए कि राजनीतिक रूप से हाशिए पर चले गए, उनकी विश्वसनीयता खत्म हुई और महागठबंधन में उनकी पूछ खत्म हो रही है, बहुत भाव नहीं दे रहा महागठबंधन उनको, तो तमाम चीजों को लेकर कृष्णनंदन वर्मा ने निशाना साधा, हमला बोला और साफ कहा कि उपेंद्र कुशवाहा का राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया है। तो बड़ा हमला जेडीयू का, बड़ा हमला कृष्णनंदन वर्मा का, बिहार के शिक्षा मंत्री का उपेंद्र कुशवाहा पर। अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।